वेलकम टू माय चैनल करिश्मेटिक चिड़िया। तो हमारी इंडिया से कनाडा की जर्नी हम आप सबके साथ शेयर कर चुके हैं हमारी पुरानी वीडियो में। तो अब हम आपके साथ शेयर करते हैं जब हम आए थे वैंकूवर तो हमारा क्वारंटीन कैसे स्पेंड हुआ था, और उसमें एक छोटा सा सस्पेंस जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था उस क्वारंटीन पीरियड में। तो लेट्स सी। अब हम फाइनली लैंड हो चुके थे कनाडा में। काफ़ी नर्वस भी थे, कुछ अजीब सी हलचल थी क्योंकि हमारे लिए सब कुछ नया होने वाला था, एक नया देश, नए लोग, और हमें अपनी पूरी लाइफ एक्चुअल में नए सिरे से स्टार्ट करनी थी। बहुत ही चीज़ें दिल और दिमाग में चल रही थी, और जब एक्चुअल में स्पेशली मैं एयरक्राफ्ट से बाहर निकली थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम अपने घर से बहुत दूर आ चुके हैं। बट आगे की जर्नी अभी बहुत लंबी थी और बहुत ब्यूटीफुल थी, तो हमने भगवान का नाम लिया और कनाडा में एंटर किया और अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। अब हमने करी कैब बुक और हम चल दिए अपने एयरबीएनबी की तरफ जो हमने इंडिया में ही बुक कर दिया था। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमें लग गई भैया करारी सी भूख। हमने बनाए दाल चावल जो कि हम कुछ ग्रॉसरी इंडिया से ही करके गए थे, लाइक 14 डेज के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सामान जैसे कि बर्तन और कुछ खाने का सामान, दाल चावल आटा, ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली थी क्योंकि हम इन 14 डेज में बाहर नहीं जा सकते थे। बट हम ऑर्डर कर सकते थे, तो हमने यूज़ करी इंस्टाकार्ट ऐप जो कि बहुत यूज़फुल है। आपको उस पर सब कुछ मिलेगा, ऐसा मत सोचना कि आपको इंडिया वाला जो सामान होता है कि ये चीज़ इंडिया में मिलती थी यहाँ हमें नहीं मिलेगा, कुछ अलग खाने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ मिलता है। एंड थैंकफुल हैं हम अपने दोस्तों के जिन्होंने हमें लैंड होते ही उस इवनिंग को कुछ ग्रॉसरी लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड ऑल ये सब हमें दे दिया था घर पर आकर, थैंक यू गाइस। एंड उसके बाद हमें और भी कुछ सामान चाहिए था तो हमने ऐसे ही ऑर्डर कर लिया, लाइक कुछ स्नैक्स, पिज़्ज़ा एंड समथिंग, वो आप वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात, कनाडा में जब आप जैसे ही लैंड होते हो आपको फिल करना होता है एक अराइव कैन ऐप। अराइव कैन ऐप आपके लाइक 14 डेज क्वारंटीन की हेल्थ रिपोर्ट होती है जो आपको डेली बेसिस पे सबमिट करनी होती है, बिकॉज वो आपको ट्रैक कर रही होती है कनाडा की गवर्नमेंट कि आप क्वारंटीन पीरियड में सेफ हो, हेल्दी हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो वैसे ही हमने भी वो रूल्स फॉलो करे और ऐसे ही हमारे डेज स्पेंड होते रहे। तो अब नेक्स्ट था हमारी जॉब सर्च, घर सर्च। हमने इस बीच कुछ घर भी सर्च करे, बट एक नेक्स्ट टेंशन थी कि हमें एक जॉब सिक्योर करनी है। तो जी मैंने तो कर दी, नेक्स्ट डे से जॉब में सारी जगह अप्लाई करना शुरू कर दिया जॉब्स के लिए। तो भगवान की दया से, उनकी ब्लेसिंग से विद इन 4 डेज मेरे पास इंटरव्यू का कॉल आता है एंड द वेरी नेक्स्ट डे मेरा सिलेक्शन हो जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात थी कि 4 डेज में जॉब लेना। और उससे सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि मेरी जॉइनिंग थी जिस दिन हमें क्वारंटीन हमारा ओवर हो रहा था उसी दिन मुझे जॉब पे फर्स्ट डे ज्वाइन करना था। तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। एंड उससे भी ज़्यादा अच्छी बात, हम इसके लिए भगवान को हमेशा मतलब थैंक्स जितना भी करें वो बहुत कम होगा, बट बहुत अच्छा था कि हम दोनों को एक साथ जॉब मिल गई एक ही जगह, तो ये सोने पे सुहागे वाली बात हो गई थी। एंड देन उसके बाद ऐसे ही हमारे डे स्पेंड होते रहे। इस बीच हमने घर सर्च किया, खाना बनाते रहे, अलग अलग डिशेस बनाते रहे, एंजॉय करते रहे। तो इस बीच बारी आती है कि हमारे क्वारंटीन में हमारा टाइम पास कैसे होता था। आधा टाइम पास हमारा जेट लैग में सो के होता था, जब उठते थे ब्रेकफास्ट और इन सब में टाइम निकल जाता था, और उसके बीच हमारा टाइम फिक्स होता था घर वालों से बात करना, लाइक दो घंटे इसमें गए, एक एक घंटा हमारे फ्रेंड से बात करना, दीपा, आयुषी, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता था और उसकी क्लिप्स आप कुछ देख सकते हो वीडियो में। तो थैंक यू सो मच दीपा, आयुषी, बहुत जल्दी मिलेंगे एंड आई मिस यू सो मच बोथ ऑफ यू। तो ये था हमारा क्वारंटीन कैसे स्पेंड हुआ।
तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें एक छोटा सा सस्पेंस है। तो वो सस्पेंस ये था कि हमने जो एक्सपीरियंस किया इन 14 डेज के बीच, जब हम लैंड हुए थे 8th ऑफ फेब को, ये इंसिडेंट हुआ था 12th ऑफ फेब। हम जेट लैग की वजह से, जैसे मैंने बताया था, हम दिन में 11 बजे सो गए थे एंड हम उठे उस दिन 7:10 पे। 7:10 पे उठने के बाद हम ऐसे ही किचन में पानी पीने के लिए गए थे और सडनली तभी कोई डोर पे नॉक करता है। तो हम थोड़ा सा, हमें अजीब लगा कि इस टाइम डोर पे कौन नॉक कर सकता है, क्योंकि जो हमारी लैंडलॉर्ड थी, अगर उन्हें हमसे बात करनी होती थी तो वो जो बेसमेंट का बैक साइड एंट्रेंस था वो वहाँ से आती थी, या फिर आने से पहले कॉल या मैसेज कर देती थी। तो हमने फिर भी विंडो पे जाके चेक किया तो वहाँ पे पुलिस थी, उन्होंने हमें अपना कार्ड शो किया। तब हमने डोर ओपन किया तो हमें यही लगा कि शायद अभी कोविड की वजह से हम लोग क्वारंटीन में हैं, तो हम पे चेक रखने के लिए कोई आया होगा हमसे पूछने के लिए कि हमारी हेल्थ सही है, हम लोग सेफ हैं। तो हमने डोर ओपन किया, मास्क लगाया और हम दूर खड़े हो गए। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया कि क्या आपने किसी की चिल्लाने की या फिर किसी की फाइट की या कुछ भी ऐसी आवाज़ या कुछ भी देखा हो या सुना हो। तो हमने उन्हें बोला कि एज हम सो रहे थे तो हमने कुछ भी नहीं सुना ऐसा, और वो हमें ये बोल के चले गए कि अगर उन्हें कोई भी फर्दर क्वेश्चन पूछने होंगे तो वो दोबारा वापस आएंगे। और हमने उनसे पूछा कि इज़ एवरीथिंग ओके, तो उन्होंने हमें कुछ बोला नहीं, उन्होंने बोला कि सब ठीक है बट अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो ज़रूर वापस आएंगे, और ये बोल के वो चले गए। तो मुझे थोड़ा सा डर लगा और मैंने अपनी लैंडलॉर्ड को मैसेज किया कि ऐसे ऐसे हमारे पास पुलिस आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँ और उन्होंने ऐसे क्वेश्चन किया था तो सब कुछ सही है, बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, हमें नहीं पता। तो मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। तब हमारी लैंडलॉर्ड ने हमें बोला कि सब ठीक है, पर थोड़ी देर बाद जब उनका मैसेज आता है, शी सेड कि जो उनके सामने वाला घर है जिसे कोच हाउस बोलते हैं, वहाँ पे एक मर्डर हुआ है और वो उनका टेनेंट था जो वहाँ पे एक साल से रह रहा था। ये इंसिडेंट मेरे लिए बहुत स्केरी हो गया था, बट मैं इसको जज नहीं करूँगी एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई भी इसको जज ना करे, ना ही किसी कंट्री को, ना ही किसी इंसान को, ना ही किसी सिटी को। ये कहीं पे भी हो सकता है, ये कोइंसिडेंस है। ये अगर वहाँ हम नहीं होते, कोई और होता, तो उनके साथ भी हो सकता था, किसी के साथ भी हो सकता था, या फिर वो इंडिया में भी हो सकता था। तो ये जस्ट एक एक्सपीरियंस था जो हमने शेयर किया, और वो मेरे लिए स्केरी इसलिए था क्योंकि उसी दिन में हमने सोचा था कि बहुत सफोकेटिंग सा हो रहा है अंदर, लाइक हमें 4 दिन हो गए हैं तो हम लोग थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं अपने बैकयार्ड में। तो जो कोच हाउस था और हमारा बेसमेंट था, जस्ट बैकयार्ड का ही उसमें गैप था, बहुत ही पास था, वो हमारी विंडो से भी दिखता था वो घर। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारा गार्बेज भी काफ़ी इकट्ठा हो गया है तो हम उसे भी डंप कर देते हैं, और वो गार्बेज के बिन्स बिल्कुल उस बंदे के घर के सामने थे। तो हमने अपना गार्बेज डंप किया और हम उसके ही दरवाजे के आसपास घूम रहे थे जो कि वो बैकयार्ड था। हम 15 से 20 मिनट वहाँ पे हमने वॉक करी एंड हम वापस आ गए और हम सो गए और हम सीधा उठते हैं शाम को। और ये इंसिडेंट्स था, ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं लाइफ में, हमें इसे जस्ट ओवरकम करना है, और जो कि हम हो गए ओवरकम, और आगे हमारे लिए बहुत ही सुंदर सी और एक ब्यूटीफुल सी जर्नी अवेट कर रही थी, क्योंकि अब हमें जाना था नए घर में, नई जॉब पे, तो बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे। तो हम रेडी हुए अब आगे जाने के लिए। सबसे पहले हमें जाना था, टेंशन भी थी, हमें जाना था अपने न्यू घर में, वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी, और उसके बाद हमें सीधा भागना था अपनी न्यू जॉब पर, जो कि और भी ज़्यादा एक्साइटिंग था क्योंकि हम दोनों साथ में जा रहे थे। तो आप देखो इन वीडियोज़ को,